नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं सैगल। बॉडी बिल्डिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ में बढ़ गई है, और अगर बात करें रेसलिंग की तो एक से एक दिग्गज कलाकार ने भारत का नाम रोशन किया है। मेरे साथ मौजूद है ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर सर। बहुत बहुत स्वागत आप सबसे पहले मैंने कहा। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जिस तरह से रेसलिंग में बहुत से लोग कहते हैं कि रेसलिंग में भावा होता है, ये सच है? ये सरासर गलत बात है। कोई नौटंकी नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई नौटंकी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ये नौटंकी है, वो बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, एक स्पोर्ट्स मैन को अगर वो कोई गेम खेल रहा है, अगर आप उस चीज़ को नौटंकी करें तो स्पोर्ट्स मैन पर क्या इस चीज़ का असर पड़ेगा? कितनी मेहनत करता है, कितनी ऊंचाई से गिरता है, कितनी चोटें खाता है, नौटंकी कैसे हो सकता है? हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को लोग भगवान मानते हैं। आपका कौन इंस्पिरेशन था और आपने किसको सोच के आज रेसलिंग में आया? इसमें बहुत है FFW, सभी इंडिया के तमाम जितने भी पावर गेम से जुड़े हुए स्पोर्ट्स, सभी को आगे बढ़ाता है और सबसे लोगों को उठा के